भाई क्या आपका ब्रेकअप हो गया मेन क्वेश्चन मुझे पता है तुम इसका वेट करो और तुम इस चीज को पूरा सुनोगे भी कि भाई आप महीने का कितना पैसा कमाते हो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू अद व्लॉग आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्यों है कटारे स्पेशल क्योंकि भाई हम वहीं पे आ चुके हैं वापसी <laughs> जहाँ से हमने शुरुआत करी थी बीच में से मतलब भाई हम लोग आ चुके हैं बिग बॉस के सेट पे नहीं हम लोग हैं बता सके ना राम शो का पूछना पड़ेगा मुझे भाई किसी दूसरे शो के सेट पे हम जिसमें तुम्हारा भाई आ रहा अब रियलिटी शो है कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट नहीं नहीं जा जा रहा पर जा रहा पर मस्त चीज करने मैं उससे कम भी नहीं हूँ भर्ती होगी जॉब लग गई खाना चल रहा मस्त है, है भाई कटारिया हाँ। अंदर पता कितनी छोरी है मेरे हिसाब से दस पंद्रह छोरी है छोरे भी हैं पर छोरी भी हैं अभी अंदर जाएंगे रेडी रूडी हो कैसे

अलीबाग अलीबाग भाई जो भी जगह अलीबाग इसकी स्पेलिंग अलीबाग की वो है इस बी अलीबाग हाँ ओके नाइस चलो भाई जब ये शो आएगा ये अपना शो डेट में नहीं बताऊंगा अभी कुछ दिन में खुद ही पता लग जाएगी तो मैं कि क्या करना आया था मैं इधर और क्या करके चला गया भाई सुबह से एक रियलिटी शो आ रहा देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ उसकी उसकी शूटिंग में था मैं और अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ भाई सुबह से लेकर अपनी कमर अकड़ गई ओ माय गॉड तीन तीन चार घंटा दूर बताऊँगा बॉम्बे में तीन चार घंटे बहुत गलत जगह है और मैं तो गर्दन गर्दन पूरे कड़ कमर कड़ गई अभी बैठ के जवाब दूंगा पहले एक नहा नहाँ मैं नहा भी नहीं रखा बिना ना सूट करिए आए उन्हें पता भी नहीं लगी है मेकअप कर रखा देखो तो पता लग लगी नहीं अभी नहाऊंगा तब आगा मज़ा तब मेरी थकान उतरेगी गर्म पानी तो मस्त हाँ जी गाइज वेलकम टू तो माई क्यू एन ए सेशन मेरी लाइफ का शायद पहली बारी क्यू एन ए कर रहा हूँ मैं ऐसे व्लॉग पे तो हमारे एक भाई हैं अश्विन भाई उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से मतलब मैंने मेरे पास आए मतलब अभी कितने देर हुए मेरे को तीन चार घंटे हुए डाले हुए मेरे को आए पचास हज़ार क्वेश्चन और पचास हज़ार क्वेश्चन क्या तो देखो आंसर मैं नहीं दे सकता बहुत वैसे भी थे कि भाई इधर का बाहर हो यूपी का बाहर हो मेरठ वेरठ कहाँ आ रहे कहाँ आ रहे हो आएंगे आएँगे आएंगे हर जगह आएंगे आएंग, 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 उनका उन उनक, वो चीज़ें अलग है इनमें मैं मेन मेन पंद्रह सवाल उठाए हैं मैंने कि भाई पंद्रह सवाल बहुत है और ऐसे ना हर बारी वीक में एक बारी क्यों एन सेशन करेंगे पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन उठाएंगे बढ़िया बढ़िया जिनके आंसर देने में भी मज़ा आया हमें तुम्हारे एक भाई हैं अश्विन भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे उनका उनने बोला कि सक्सेस के लिए लड़की का साथ होना सही है या फिर सिंगल रह के भी तरक्की करी जा सकती है देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार ये ना बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई देखो अगर तुम्हारे साथ सही लड़की है ना तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे इसका साफ सीधा आंसर है अगर लड़की भी तो पार्टनर जो होता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो अगर वो सही हो तो तुम अच्छे राह पर चल देते हो अगर वो गलत हो तो वो तुम्हें नीचे भी ले आती है ले आता है मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़की ख़राब कर देती है लड़का लड़ लड़के भी होते हैं भाई ख़राब मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा बहुत सीरियस हो बोल रहा हूँ नो सरकैम इंक्लूड इस चीज़ में तो सक्सेस के लिए सही पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है अगर पार्टनर सही है तो आप तरक्की कर सकते हो दूसरा इनने भाई ने पूछा कि सिंगल रह के भी तरक्की हो सकती है क्या भाई बिल्कुल हो सकती है भाई दुनिया सिंगल रह रहेगा चांद पे चली जावे बहुत कुछ कर ले बहुत सिंगल लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा अपनी ज़िंदगी में अपना माइंडसेट होता है सबका ना अलग अलग कि क्या तो अपनी बुद्धि से चलो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं इसको कई लोग ने डिस्ट्रैक्शन लेते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई तो हम उसके पीछे पड़े रहेंगे हमारा ध्यान नहीं लगेगा कई लोगों का ऐसा माइंड होता है वो सिंगल रह के अपना गोल पे फोकस रखते हैं वो ऐसे सेट करते हैं कि पहले मैं एक बार सक्सेसफुल हो जाऊँ उसके बाद पार्टनर आएगा उसके बाद सक्सेस के बाद कई लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाल के तरक्की की सीढ़ी पे आगे बढ़ते हैं तो ये वाली बात है चूज़ द राइट पार्टनर तो दोनों चीज़ों में तरक्की हो सकती है दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसी ऐसा कोई सपना जो एक बारी पूरा हो जाए और उसके बाद ये लगे कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई ऐसा नहीं होता भाई जब आप सक्सेस की सीढ़ी पर आगे बढ़ते रहते हो ना आपकी भूख बढ़ती रहती है जैसे आपका जितना छोटा बबल हमारी लाइफ ना बबल में चलती है कोई इंसान मान लो दस हज़ार रुपये कमाता है वो उसको लगता है वो दस हज़ार रुपये जैसे पचास हज़ार रुपये वही सोचता है कि काश पचास हज़ार रुपये कमाऊँ जब वो पचास हज़ार रुपये कमाता है तो उसके बाद उसकी भूख और बढ़ती है यार पचास हज़ार में मज़ा नहीं आ रहा काश में एक लाख रुपये कमा रहा होता जब वो एक लाख पे जाता है तो उसकी भूख दस लाख की हो जाती है अब जैसे भाई ने पूछा आपका कोई ऐसा सपना कि पूरा हो जाए भाई धरती पर हमारी धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये सोचूँ कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव कर ली इसके बाद कुछ नहीं है मैं वो चीज़ भी अचीव कर लूँगा तब भी मेरी भूख और बढ़ी रहेगी उससे भी बड़ी चीज़ के लिए क्योंकि अंत नहीं है इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन का कोई अंत नहीं है आदमी अगर सेटिस्फाई होगा मैं मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर मान लो मैं सेटिस्फाई होगा किसी चीज़ से तो मुझे ऐसा लगेगा मेरी लाइफ खत्म हो गई वहीं पर स्ट्रगल जब तक नहीं बचेगी ना लाइफ में आगे बढ़ने की कि मुझे वो बीच है वो बीच है वो बीचिए तब तक ग्रो नहीं करता इंसान चाहे इसे लालच कह लो चाहे इसे सक्सेस कह लो कुछ भी कह लो भाई तो इसका सी, सीधा आंसर है मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है मैं जो सोचूं कि भाई ये पूरा हो गया तो सब खत्म हो गया नहीं चलती रहेगी जिंदगी सारा अचीव करते रहेंगे सी डी सी खत्म नहीं होनी सी अनलिमिटेड है जितना ऊपर जाएंगे उतना बेहतर है जब तक जी रहे हैं तब तक ऊपर जाते रहेंगे भगवान ने चार तुमने चाह तो एक क्वेश्चन है भाई बहुत सही क्वेश्चन है इंग्लिश में हिंदी में भी समझा दूँ <coughs> क्वेश्चन ये कि हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू मेक डेली ब्लॉग्स इट ऑन टाइम वॉट मेक्स यू नेवर गिव अप आफ्टर गेटिंग सो मच हेट एक बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसमें से भाई पहला ये कि लोग ऐसे सोचते हैं कि कैमरा उठाया ब्लॉगिंग स्टार्ट करी बहुत ईजी है भाई करके देखो एक बारी पता लग जाएगा और करके देखोगे कर लिया तुमने कर लिया पब्लिक तुम्हें क्यों देखे उसका रीज़न भी देना है तुम्हें मतलब ये उठा के तो मान लो तुमने बना लिया हाय गाइस मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ और तुम्हें कोई देख नहीं रहा तो आ गई ना वही चीज़ अब ये बहुत हार्ड है भाई जैसे मैं पिछले अब मुझे नवंबर में, में मेरे हिसाब से दो साल हो जाएंगे करेक्ट दो साल हो जाएंगे रोज़ अपलोड करते करते टाइमिंग कभी कभी ऊपर नीचे हुई है बट बारह बजे एग्जैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाइन्टी परसेंट मेरे ब्लॉग्स आते हैं बारह बजे हम पार्टी भी करते हैं हम ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं होते हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट टाइम पर आ जाता है मेरा ब्लॉग क्योंकि उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड हूँ कि ब्लॉग आए मेरा आप लोगों से मैंने जो कर रखा है कि भाई बारह बजे आता है तो आता है वो एक वो है स्ट्रगल है बहुत बड़ी स्ट्रगल है कई बार ऐसे भी होता है यार नहीं कर रहा मन नहीं आज अपने लिए टाइम निकालो मेरे को परमेश भाई ने एक चीज़ बोली थी कि हमें जो चीज़ भी मिल रही है हम उस चीज़ का एक प्राइस पे कर रहे हैं समझ रहे हो इस वाली बात को अब जैसे सपोज कोई ट्यूशन पढ़ता है कोई स्कूल में जाता है कोई कॉलेज में पढ़ता है आप उसकी फ़ीस पे करते हो और बदले में तुम्हें तो एजुकेशन मिल रही है हर चीज़ का एक प्राइस पे करते हैं हम लोग अब सपोज़ मेरे पे मान लो पैसा है भगवान के देश पैसा आ गया फेम आ गया तो इसका प्राइस मैं क्या पे कर रहा हूँ अपना पर्सनल स्पेस जो कि मैं ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरे पास पर्सनल स्पेस नहीं आप आप लोग बड़े खुश हो गए कि भाई तुम कहीं भी घूम सकते हो तुम कुछ भी कर सकते हो तुम रोड पे गोल गप्पे खा सकते हो तुम सब चीज़ कर सकते हो तुम पे आज़ादी है तुम्हें दूर से देख के बहुत अच्छा लगता हुआ वो एलविस भाई तुम्हें तो इतने सारे लोग घेरते हैं बहुत अच्छी बात है वो भी अच्छा लगता है मुझे बट एक मेरा ये वाला पार्ट सेक्रीफाइस हो गया कि मैं नहीं जा सकता कहीं पर भी मतलब उतना फ्रीली जितना मैं एक टाइम पर पहले जाता था अब भगवान की जैसे अच्छी चीज़ कह लो या इसे बुरी चीज़ कह लो कुछ भी कह लो भाई हम तो उसी में सही अब पार्ट बना लिया मैंने इसको लाइफ का कि भाई यही है ऐसे ही जीना है इस चीज़ को मैं अंडू नहीं कर सकता कि अब मैं वो चीज़ ख़त्म कर लूँ एलिवी के अंदर से ऐसे निकाली वो चीज़ और मैं तो नॉर्मल आदमी बन गया कि कहीं भी जा रहा हूँ ये नहीं हो सकती वो चीज़ पॉसिबल ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है तो अब उसके सारे जी रहे हैं और अपने अपनी जो आप लोगों के एक्सपेक्टेशन है वो धीरे धीरे करके पूरी कर रहे हैं एक मेन क्वेश्चन है कि भाई पहले जो आप मेन चैनल पे कॉमेडी स्केचेस निकालते थे वेब सीरीज़ निकालते थे कब कब निकालोगे भाई मैंने ना एक वेब सीरीज़ प्लान कर रखी है बहुत तगड़ी आज से नहीं कर रखी मैंने दो साल पहले से लिख रखी है वो बट उस उसमें चाहिए था बजट मोटा बजट भगवान की दया से अब आ, आ, सही चीज़ है हम पे स्पॉन्सर्स हैं और सारी चीज़ हैं बस टाइम नहीं मिल पा रहा टाइम जैसे ही दो चार मेरे ये म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह ख़त्म होंगी और ये शो खत्म होगा एक आधी भगवान की दया से तुम्हारी दया से मुझे फिल्म भी मिल रखी है उससे पहले ही मैं एक वेब सीरीज रेडी है मेरा बड़ी प्यारी बड़ी प्यारी तुम्हें मज़ा आ जाएगा तुम लोग रिलेट करोगे कॉलेज के ऊपर है बहुत मस्त बहुत जल्दी आने वाली मैं शूट करूंगा अभी एक बार दुबई जाना है मेरे को एक गाना शूट करके उसके आते ही जस्ट कॉलेज के ऊपर है बताऊंगा नहीं नाम मैंने नहीं तो कोई और बना देगा एक क्वेश्चन है आ, मेरे हिसाब से मिसकनसेप्शन ज़्यादा है कि विराट कोहली से कंपेरिजन करा आपने आपने भाई जिसने भी वो क्लिप देखी है शायद छोटी कट 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 करके देखी है क्योंकि ना आजकल इंटरनेट पर क्या फैशन चल रहा है कि किसी की भी भाई बड़ी वीडियो में से इतना इतना पार्ट निकाल के एडिट करके ऐसे डाल दो और दिखा दो वो अगला आदमी तो देखो ये बोल रहा है वो बोल रहा है जिसने वो पूरी वीडियो देखी है विराट कोहली भाई की उसमें आपने मेरे वर्ड्स शायद ढंग से नहीं सुने कि विराट कोहली भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट सारी चीज़ें अगर मैं किसी से किसी को बदतमीजी से ट्रीट करूँगा तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये मेरा भाई है या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई इंडिया के लिए खेलते हैं विराट कोहली भाई अपने और बहुत लेजेंड आदमी है और मेरे मेरे लिंग सबके लिए भाई मैं अपने मुँह से बोलता हूँ किंग कोहली उनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता वो भाई की अलग फील्ड है भाई अलग लेवल पे हम बहुत छोटे लेवल पे हैं तो उनसे कंपैरिजन आज पॉसिबल नहीं ना कल पॉसिबल आगे का मुझे पता नहीं बट आज के टाइम पे तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और जो उन्होंने अचीव करा भाई वो बहुत अपर लेवल का अचीव कर रखा तो उससे ना कोई कंपेरिजन नहीं कर सकता तो जो भी अगर ऐसी क्लिप देखो तो प्लीज़ उसको पूरी देखा करो यार तो बहुत सारे मिसकनसेप्शनस क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के कि एल क्या बोलता है कैसे बोलता है क्यों बोलता है सारी चीज़ें पता लग जाएगी तो प्लीज़ छोटी छोटी क्लिप्स देख के डोंट जज मी एक है कि भाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेज़ आए हैं बिग बॉस के बाद देखो मेरे जितना भी एक फैन बेस था बिग बॉस के बाद वो पैन इंडिया हो गया पहले मेरे को नॉर्थ इंडिया में लोग जानते थे अब मेरे को पैन इंडिया लोग जानते हैं भगवान की जैसे बाहर भी जानते हैं तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ ये तो हो गया अच्छा चेंज कि मेरी रीच बढ़ गई और मैं कमर्शलाइज़ हो गया मेरे लिए ब्रांड्स ओपन हो गए और रियलिटी शोज़ ओपन हो गए पहले मेरी फील्ड नहीं थी पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाता था और वहीं तक सीमित था अब भाई तुम लोगों की दया से बिग बॉस जीता मैं और उसके बाद बहुत सारे दरवाजे खुल गए YouTube के अलावा भी अब मेरे पास ऐसी ऐसी जगह हैं तो इस चीज़ में मैं एक तो बहुत खुश हूँ दूसरी चीज़ मेरे को मेरा जैसे मैंने अभी बताया कि भाई सब लोग एक बबल में जीते हैं मैं मेरा एक बबल था वो बबल बड़ा हो गया और मेरे को पता लगा कि मान लो सक्सेसफुल कोई इंसान होता है तो उसके साथ साथ कितनी नेगेटिविटी भी जुड़ती है पॉजिटिविटी के साथ तो वो मुझे पता नहीं था मुझे ऐसा लगता था सब लोग अच्छे हैं बट अब वैराइटी ऑफ लो, लोग खुले हैं कि भाई अच्छे लोग भी इतने आए हैं तो बुरे लोग भी उसके साथ कंपेरिजन में आए हैं और इतने बुरे लोग आने आते हैं ये मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए काफ़ी नया है बट आई एम एन्जॉइंग वेरी मच ट्रैवल कर रहा हूँ मैं पूरा भाई खुल के जी रहा हूँ खुल के पार्टी कर रहा हूँ सारी चीज़ फुल धमाल चल रही है ज़िंदगी जो इस बात से खुश होंगे भाई अपने भाई भाई को अपना समझते होंगे भाई खुश होंगे जो जलने वाले हैं भाई वो देखो तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते ग्राउंड रियलिटी पे उतर के देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में कौन कितना पानी में नहीं है तो ये चीज़ मैंने जानी कि भाई पॉजिटिविटी आई बट इस टाइप की नेगेटिविटी भी आई ये मुझे नहीं पता था बट आई उसको संभाल रहे हैं अब उसके साथ जी रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ क्या आप गरीब बच्चों के लिए कुछ करोगे फ्यूचर में तो एक मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ़ दे, दे देता हूँ अपना मेरी एक फाउंडेशन चलती है जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ जो मेरी एक फाउंडेशन चलती है एनजीओ चलता है पिछले दो सालों से जो हर सैटरडे मतलब गरीब लोगों का पेट भरते हैं हम लोग खाना खिलाते हैं उनको वो चीज़ अलग है मैं <coughs> महेंद्रगढ़ साइड दस गरीब लड़कियों को पढ़ाता हूँ वो अलग चीज़ और हम लोग धीरे धीरे करके ग्रो करना चाह रहे हैं कि अपना फाउंडेशन अपना एन जी बढ़ाओ ताकि और लोग जैसे अभी दस को पढ़ा पा रहे हैं तो आगे चल के सौ को पढ़ा पाए हज़ार को पढ़ा पाए और जितना हमसे बन पाए ये नहीं कि भाई मैंने ठेका ले लिया कि मैं तो भाई सबको ये कर दूंगा वो तो कर दूँ जितना हमसे बन पाएगा उतना करेंगे और भगवान ने चाहा आप लोगों ने चाहा तो वो चीज़ ग्रो करेगी हमारी और आज दस नंबर है कल सौ होंगे परसों हज़ार होंगे फिर दस होंगे टाइम का किसको पता भाई पर हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं मेहनत मेन क्वेश्चन मुझे पता तुम इसका वेट करो और तुम इस चीज़ को पूरा सुनोगे भी कि भाई आप महीने का कितना पैसा कमाते हो देखो हमारी लाइन में कोई फिक्स नहीं है कि हम कितने पैसे कमाते हैं कितने पैसे कमा सकते हैं कभी कभी वो इतना भी हो जाता है कभी कभी वो इतना हो जाता है कभी कभी वो इतना, है, कभी -कभी वो इतना रहता है बट इससे नीचे नहीं नी जाता वो रह इतना एक बेस है तो मैं बेस बताऊं या मैक्स बताऊं या ये बताऊं क्या बताना चाहिए बताओ मैं सोच रहा हूं मैं देखो एग्जैक्ट फिगर्स ऐसे बोल के घर वाले भी अच्छा कमा रहे फिगर बता दें फॉर्चूनर के उसमें बता दें कि महीने की कितनी फॉर्चूनर आ सकती है बता दो बता दो चलो इससे इससे ही गैस कर लो तुम मैं ये बोल रहा हूँ महीने की कितनी फॉर्चूनर आ सकती है मैं नहीं बताऊंगा कितनी आ सकती है अब तुम देवरेस, देवरेस कुछ नहीं बताना कुछ नहीं बताना मही महीने की कितनी फॉर्चुनर ये भाई तुम लोग गैस करो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है बड़ा बेसिक बट बहुत डीप है कि आप खुश हो कितना छोटा क्वेश्चन है कि आप खुश हो जी यस हम खुश हैं भाई अपनी लाइफ में खुशी का मतलब मेरे लिए ये नहीं होता कि आ, समझा नहीं पा रहा मैं उस चीज़ को बट आई एम हैप्पी कभी कभी भाई सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ऐसा नहीं होता कि हर टाइम एक आदमी खुश है हर टाइम एक आदमी दुखी है ऐसे ऐसे लाइफ ऐसे चलती है, इसी का नाम लाइफ है कभी इंसान खुश होता है कभी दुख दुखी होता है इस टाइम पर अगर करंटली पूछो हाँ मैं खुश हूँ भाई थोड़ा तो नींद में भी हूँ बट मैं खुश हूँ और क्या चाहिए होता है भाई कि घर वाले खुश रहें अपने सर पर छत हो पहनने को कपड़े हो अपने पास एक गाड़ी हो या फिर एक व्हीकल हो जिसमें सेटिसफाइड हो और जो जो चीज़ मेरे पास है मैं उसमें सेटिसफाइड हूँ तो मैं खुश हूँ बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में भाई चाहे पर्सनल लेवल पे हो चाहे जो चीज़ें घर वालों को भी ना बता सके वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं वो खूब दुख भी होता है ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खुश खुश आंड रहा हूँ दु, दुख भी आता है भाई बहुत सारा दुख भी आता है उसको भी झेलते हैं और फिर दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं बट इस टाइम पूछे तो आई एम हैप्पी भाई एक ना असलील क्वेश्चन आ रखा कि भाई आप वर्जी नो हाँ भाई वर्जिन नहीं है भाई हम हमें वोडाफोन हमें हच, पग, मैं, तुम <laughs> हाँ यार भाई कैसी बातें करते हो तुम यार्वेशन पूछते हो एक भाई का क्वेश्चन है कि भाई हम क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट है कि भाई हम पुराने ब्लॉग्स मिस कर रहे हैं जब आप ड्रैग रेस करते थे ये करते थे वो करते थे तो उसका आंसर मैं देना चाहूंगा भाई मैं करता था भाई कर चुका भाई बार बार मैं ड्रैग रेस थोड़ी करूँगा यार मतलब समझ रहे हो एक चीज़ एक चीज़ मैं कर चुका ऑलरेडी अब उससे एक लेवल अप होने की बारी है ये करेंगे फिर एक लेवल और अप होंगे तो उस हिसाब से नहीं रख सकता एक दो हज़ार में देसी वीडियोस बनती थी आज बनती हैं देसी वीडियोस देसी सिटी आज बनती है नहीं बनती भाई पहले एक एक मिनट की वीडियोस आती थी अब एक एक मिनट की वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे नहीं भाई लोग शॉर्ट शॉर्ट मूवीज़ बनाने लग गए बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाने लग गए सीरियल्स बनाने लग गए वेब शोज बनाने लग गए पहले था वो हमारी लाइन में नहीं था तो इसी को बोलते हैं भाई लेवल अप होना अब कई लोग अडेप्ट कर जाते हैं इसके साथ में कि हाँ भाई हम समझते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में जैसे पहले हम फोन से शूट करते थे फिर कैमरा से शूट करते फिर कैमरा बड़ा हो गया लेंस बड़ा हो गया लेवल अप हुआ ना तो अब सेम चीज़ नहीं दिखा सकता मैं यार मतलब मैं खुद से भी खुद से भी मन नहीं करेगा मैं हमेशा चाहूँगा कि भाई पब्लिक कुछ नया देखे एक स्टेप और अब देखे मान लो अभी मैं बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ मिला तो मुझे हेट पढ़ाओ भाई तुम इनको रोस्ट करते थे और अब इनसे मिल रहे हो भाई तुम अपने किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हो या फिर किसी को कुछ बोलते हो गुस्से में या फिर कुछ भी रोस्ट रोस्ट था ऑनलाइन चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है किसी से हेट थोड़ी पालता हूँ मैं कि साढ़ा मैं तो इससे हेट करता हूँ हेट मैं किसी से नहीं करता भाई तो उस चीज़ का चक्कर तुम छोड़ दो कि मैं किसी के नफरत दिल में लेके बैठा रहा ना मेरे भाई कोई मेरे से इज्जत से बात करे हम बराबर में इज्जत से बात करेंगे ऐसा नहीं कि कोई हमसे हाथ मिलाए और भाई कैसे और मैं थप्पड़ मारूँ साढ़े तू तो वो है हमने तो तेरा रोस्ट करा था ऐसा नहीं होता भाई तुम्हें भी तुम्हारा कोई भी दुश्मन होगा या फिर कितने से कितना बुरा वो कर रखा हो मैं इस टाइप का आदमी हूँ मेरे से कोई प्यार से बात करता है भाई मैं प्यार से बात करता हूँ फॉर गेट एंड फॉर गेट चाहे वो कोई भी चीज़ हो चाहे हमारे कोई भाई हों चाहे बिग बॉस वाले हमारे साथ में भाई बंधु हों जितने भी हों फॉर गेट एंड फॉर गेट लाइफ में आगे बढ़ो सब पॉजिटिविटी फैलाओ बस और कुछ नहीं चाहिए एक क्वेश्चन है कि बिग बॉस के पच्चीस लाख रुपये मिल गए नहीं पच्चीस लाख पूरे नहीं मिले भाई उसका ना टैक्स का सिस्टम होता है हमारे इंडिया में ना कि तीस परसेंट टैक्स होता है जो प्राइज़ मनी होता है इस पर कट कुटा के मेरे को भाई बीस लाख रुपया मिला टी डी एस वी डी एस टैक्स वैक्स कट के बीस लाख रुपया समथिंग मेरे हाथ में आए देखो तो मैं खुला बताता हूँ ठीक है और एक क्वेश्चन है मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूँ जो जो है ना ये सारी चीज़ें सारी एक है भाई भाई क्या आपका ब्रेकअप हो गया नहीं भाई मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ मैं भाई अभी भी अपनी बंदी के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि कभी ब्रेकअप हो भी ना और बहुत जल्दी शादी हो जाए अब एक क्वेश्चन ये भी था नीचे कि भाई आपकी शादी कब हो रही है देखो अभी मैं तो हम तो रेडी बैठे हैं भाई ब्याह करने को बंदी रेडी नहीं है अभी ना जब वो रेडी हो जाएंगी तो हम कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकअप हो गया ये हो गया वो हो गया कोई ब्रेकअप नहीं हुआ भाई और मैं तो चाहता भी नहीं ब्रेकअप मैं तो भाई चाहता हूँ कि आगे बढ़े हम जिंदगी में और अपने सेटल हो उम्र हो रही है हमारी भी तुम्हारी भी एक उम्र के बाद मेरे तो घर वाले गहर लगे रहे हैं मैं कि ब्याह कर ले ब्याह कर ले लड़की को रेडी होने तो लड़की रेडी उसके बाद हम रेडी उसको पूरा मौका दे रहा है ना टाइम लो भाई अपने सोच समझ लो अपने घर वालों से बातचीत कर लो उसके बाद कर लेंगे सारी चीज़ें तो नो no ब्रेकअप एक क्वेश्चन है भाई पॉलिटिक्स में कब आ रहे हो देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली आज बता दूँ ऑनेस्टली हमारे देश में यूथ की बहुत ज़रूरत है भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मैं हूँ मैं यूथ हूँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ हमारे देश में यूथ की बहुत ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हैं जिनके हाथ में कमान अगर सौंपी जाए तो वो देश का बहुत भला कर सकते हैं जो चीज़ें अब चल रही हैं किसी पेज से वो और तेज़ी से चले और जल्दी जल्दी वो चीज़ें कंप्लीट हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें ना हम लेट कर देते हैं मैं एग्जांपल ले दूंगा इस चीज़ का देश प्रदेश में बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर यंग लोग संभालें उस चीज़ को तो मे बी बहुत जल्दी वो चीज़ें हो जाए तो अब मेरे से पूछते हो पर्सनल कि भाई आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे नहीं करोगे भाई अभी नो प्लान्स बट अगर कभी हुआ और मैं देश के काम आ सकूँ या फिर किसी भी प्रकार से अपने प्रदेश के अपने शहर के काम आ सकूँ और मेरे घर वाले चाहेंगे कि मैं इस लाइन में उतरूँ तो बिल्कुल उतरेंगे यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिएगा उस टाइम पर अब देखेंगे भाई अब आपने गाना क्यों छोड़ दिया और अज्जू भाई से मिलना क्यों छोड़ दिया है चार छब्बीस गैंग के साथ क्यों नहीं मिल रहे हो तो देखो एक एक करके सबका जवाब देंगे ठीक है सबसे पहला तो भाई गाना गाना मैंने छोड़ा नहीं है भाई गाना आ रहे हैं यार अपने इतने सारे भाई एक गाना आने वाला अपना बहुत कैडा जिसका दुबई में शूट है वो सुना नहीं सकता बट उससे पहले एक गाना सुना देता हूँ मैं कौन सा आदत बाई निंजा मेरा फेवरेट गाना था एक टाइम पर अभी भी सुन लेता हूं मैं तो भाई गाना ऐसे मेरे खांसी हो रही गड़ा भी इग्नोर कर देना छड्डे दिला मेरेयां ओदा सर ही गया किने तेनु पुछना जे तू मर भी गया गल मेरी चुभूगी जरा सुन के ताजा अज मेरी गल दा गुस्सा करके ताजा सोच सोच दिन मुक जाते ने तेरे लारे नहीं मुक लख मना लिया भूल गया आगेगा मेरे वर्ड्स भी आगे पीछे हो गए ले रे इसके भूल गया मैं कोई नहीं आवाज़ समझ आ गई हो ना गला गुला ख़राब है एक तो ये दूसरा अज्जू भाई से क्यों नहीं रहा भाई भाई मैं शहर में नहीं हूँ यार तुमने देखा मैं कितना टाइम अपने घर पर रुकता हूँ एक ये चीज़ देखी तुमने कि मैं आता हूँ घर का बस दीवार छू के और वापस कभी यहाँ की प्लेन है कभी वहाँ का वहाँ जाना कभी यहाँ इवेंट है कभी वहाँ नाचना मुझे कहीं शादी ब्याह में शादी ब्याह तो अभी ना आया कभी शूट करना है कभी ये है वो है भाई मैं माफ़ी चाहूँगा पूरी अपने अच्छा छब्बीस गैंग से और पूरे सभी लोगों से कि जिनको लग रहा है कि एलविस भाई मिल नहीं पा रहा ऐसा कुछ नहीं है भाई एलविस भाई तो सेम है उनसे भी पूछोगे आप अज्जू भाई से मैं अभी भी सेम हूँ किसी भी भाई बंधु से पूछ लो आई एम ऑल सेम और वापस जाऊँगा मैं थोड़ा एक दिन अपनी फैमिली को भी नहीं दिया मैंने अभी तक एक दिन अपनी फैमिली को पूरा देंगे उसके बाद भाई मेरी अच्छा छब्बीस कौन थी भग जाएगी ऑल्सो अज्जू भाई को कंग्रेचुलेशन भाई उनका लड़का हुआ है मुझे तो आज पता लगी फ़ोटो देख के भाभी की नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगती कि अज्जू भाई फादर साहब बन गए हैं बहुत बहुत मुबारक भाई भाई, भाई और भाभी को पूरी फैमिली को सारे जनों को पूरे घाटा को आपके गांव में भाई अज्जू भाई का भाई लड़का हुआ है यार तो उसकी बधाई देने उसकी मिठाई खाने तो मैं एक बार जाऊँगा और पूरी या चार छप्बीस भाई वहीं है सब यार हम कोई छोरी छारी थोड़ी है हम कि सड़ा एक दूसरे से नफरत हो गई है हम बात नहीं करेंगे चिड़चिड़े हो गए ऐसा नहीं भाई सब भाई बराबर हैं यार मस्त है अगर आज आज के टाइम पर भी बुलावा है तो खड़े मिलेंगे उसी टाइम पर मैं बुलाऊँ तो वे भी खड़े मिलेंगे तो नो हेड टू एवरी मतलब नो हेड टू एवरीबडी और सब प्यार एक बड़ा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील व्हेन पीपल जस्ट सी योर अचीवमेंट्स एंड कॉल यू लक्की फॉर दैट बट डे दे डोंट सी योर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क बिहाइंड ऑल द माई स्टोन्स बाई द वे एडमायरिंग यूज सिंस टू थाउजेंड एटीन हाँ यार कई लोग कहते कह हैं ये तो हाँ भाई किस्मत ले रहा है इतना फेमस हो रहा किस्मत ले रहा है भाई दो हजार सोलह तक घिस रहे हैं भाई हम जब फोन भी ना हुआ करता एक फोन ले कर घर वालों की मम्मी की चुन्नी मांग मांग कर लड़की भी मैं ही बने करता छोरा भी मैं ही बने करता रोज़ वीडियो निकाले करता पंद्रह पंद्रह सेकेंड का टाइम था ता, उस टाइम पर बड़ी स्ट्रगल करी है भाई घर वाले गाड़ी बिना दे करते वैगन आ रहे पापा दो अभी भी तब मांगे मांगे करता पापा गाड़ी बिना दे करता वो धीरे धीरे स्कूटी स्कूटी ते फिर गाडी ये सारी चीज़ें शुरू करी गाड़ी सीखी भी और बड़ी मेहनत करी भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम ये बोल दो किस्मत किस्मत ले रहा नहीं भाई बड़ी मेहनत करी है बोलता अच्छा नहीं लगता मैं ये चीज़ बट बहुत मेहनत करी और भाई जिसे नहीं पता मेरी फैमिली क्या करती है इसमें पूछ रहे हैं कि अंकल का साइड बिज़नेस क्या है भाई साइड बिज़नेस कुछ नहीं है भाई मेरे फादर सरकारी टीचर हैं जोग्राफ़ी पढ़ाते हैं बड़ी डिसेंट फैमिली है मम्मी मेरी हाउस वाइफ है और मैं ये हूँ जो तुम्हें दिख रहा है इसके अलावा इसके अलावा कोई साइड बिज़नेस वगैरह नहीं है मैंने नहीं खोल रखे हैं इतने जो साइड बिजनेस कह लो मेन बिजनेस कह लो हमने खोल रखे हैं भाई बड़ी डिसेंट फैमिली है बड़ी शरीफ फैमिली है जो ये चाहते हैं कि ज़्यादा लाइम लाइट में मत दिखो भाई नज़र लग जाती है बट हमारा काम ही ये तो क्या करें एक क्वेश्चन है कि जो आपका नया घर बन रहा है गुड़गांव में उसमें कितने पैसे लग गए देखो भाई हमें तो पता नहीं तुमने देखा होगा मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ हमारा बापू संभालता सारी चीज़ें घर भी वही बना रहे हैं पैसा भी वही लगा रहे हैं पलाट भी उन्हीं का है मेरे नाम पे कुछ नहीं है तो ये सवाल पूछना है तो भाई फादर साहब से पूछो बट ऑन एन एवरेज मैं बता देता हूँ उस एरिया में अगर सेम घर बनता हो तो साढ़ा बनता होगा वो विद जमीन जुमीन <laughs> दो। बहुत सारे पंद्रह पंद्रह प्लस भाई अब आप हिमाचल या फिर जो पहाड़ों पे ट्रिप जाते थे वो कब जाओगे भाई पहाड़ों पे ट्रिप जाएगी बहुत जल्दी जाएगी पूरी एच आर छब्बीस गैंग के साथ जाएंगे अकेले जाने का मन नहीं है भाई अकेले हम घूमाए बहुत जगह भाई विदेश घूमाए पर अपने देश जैसी बात ना देश में घूमेंगे अपने बाहर भी जाएंगे ऐसा नहीं कि बाहर जाना छोड़ देंगे फिर कहेंगे साढ़े तू तो कह रहा था बाहर नहीं बेकार है बाहर अच्छी अच्छी जगह भी है भाई स्कॉटलैंड बड़ा प्यारा था बट अभी इंडिया में ट्रिप मारेंगे विद एच आर छब्बीस गैंग पूरे भाई मेरे हिसाब से मैंने गिने नहीं कितने क्वेश्चन के आंसर करे बट मैंने मेन मेन आज के जो ऊपर ऊपर के देखे मैंने बड़े बड़े से वो यही थे बहुत अच्छे लगे अब ये क्यू एन ए सेशन भाई हर हफ्ते एक बारी करेंगे ताकि एक कनेक्ट बैठा रहे समझ रहे हो आज मैं रियलिटी शो में एक में करके आया काम बड़ा प्यारा शो आने वाला है मुझे नहीं पता वो तुम्हारे टेस्ट का है या नहीं है बट मेरे को सही लगा उसका कॉन्सेप्ट बाहर का है सही सौदा है आएगा वो मैं बताऊंगा तारीख कब से स्ट्रीम करेगा वो भी बताऊँगा तुम्हारा भाई भी आ गया उसमें आऊंगा मैं कई बार आऊंगा तो उसको भी देखना दूसरी चीज़ एक मेन चीज़ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को जो पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं कि इसके साथ हो, साथ हो उसके साथ हो उसके साथ ये क्या किया उसके साथ वो क्या किया ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ ठीक है मान ली तुम्हारी बात मैं ये मानता हूँ कि सपोज़ तुम्हारे घर में कुछ चल रहा है कोई और आके पूछे तुमसे और तुम्हें जज करे बेफालतू में कि तुमने ये करा होगा तुमने वो करा होगा तुम एज्यूम करे तुम्हें देख के सोच के कि ये तो ऐसा इसने ऐसा करा होगा इसने ये करा एक साइड का कुछ सुन के ये करा होगा वो करा होगा तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ये अपील करना चाहूँगा पब्लिक को कि प्लीज़ मेरा नाम किसी के साथ भी ना जोड़ें मेरी एक पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनल बनी रहने दें मैं बहुत खुश हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में और जितना भी अब मेरे व्लॉग्स में आता है भाई वो बहुत बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइफ मेरा ब्लॉग में ही जाता है बट मेरी एक छोटी सी पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनल रहने दो हाथ जोड़ के विनती है मेरा नाम ना किसी के साथ जोड़ो और ऊपर वाला बैठा है सब चीज़ों के लिए सबके कर्मों की सजा भी वही देता है सबके अच्छे कर्मों का फल भी वही देता है मैंने कुछ अच्छा करा होगा मेरे साथ अच्छा हो जाएगा मैंने कुछ बुरा करा होगा मेरे साथ बुरा हो जाएगा वो टाइम के साथ मुझे भी पता लग जाएगा आप लोगों को भी पता लग जाएगा तो प्लीज़ मुझे जज ना करें किसी बात पे और कोई मिसकनसप्शन ना रखें मेरे बारे में जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से जानते हो उनको पता है मैं कैसा हूँ और जो अब नए जुड़े हैं भाई शायद टाइम के साथ आप लोगों को पता लगे कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं अगर पसंद आया तो भाई साथ रहना नहीं पसंद आया तो भाई देखो मैं क्या ही बोल सकता हूँ वो आप लोगों की इच्छा है बट क्यों ए सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं होप करता हूँ आप लोगों को कुछ जिनके कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिले होंगे लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब